कांग्रेस पार्टी भारत के राष्ट्रीय जीवन की एक मुख्य विचारधारा है, एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसको राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड कहा जाना चाहिए। आज हम अपनी स्थापना का 136वां वर्ष मना रहे हैं। मैं सारे देशवासियों को, विशेष तौर पर कांग्रेस जनों को इस पुण्य अवसर पर बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आज का यह अवसर हम सबके लिए एक नए संकल्प को लेने का समय है। हमको संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लेना है। देश आज जिन हाथों में है, उन हाथों में देश की आजादी की लड़ाई के वो सारे मूल्य, सिद्धांत, मान्यताएं एक कठिन दौर से गुजर रही है। आज सनातन धर्म की सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम की भावना कुछ नाना प्रकार की चुनौतियां मिल रही हैं। एक सहिष्णु भारत को असहिष्णु भारत में बदलने की कुचेष्टा हो रही है। कांग्रेस ने हमेशा अपने राजनीतिक स्वार्थों से आगे बढ़ करके देखा है। हमारा राष्ट्रवाद 135 करोड़ भारतवासियों का राष्ट्रवाद है, उनकी सेवा का राष्ट्रवाद है। हमारा राष्ट्रवाद दुनिया के अंदर शांति, अमन और सहिष्णुता को लाने का राष्ट्रवाद है। हमारा राष्ट्रवाद गरीब अमीर की खाई को पाट कर एक समता युक्त भारत की रचना का राष्ट्रवाद है। हमारे राष्ट्रवाद में जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और संकीर्णता